हेलो दोस्तों, वीगर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 81 2 mg टेबलेट का। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया नींद की दवा बताएं। दोस्तों, सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया नींद की दवा, ऐसी किसी भी दवा को आप सबसे अच्छी या सबसे बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ कैसी है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। आपको एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती या आपको वैसे इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है किसी और वजह से, तो उस केसेस में मैं आज आपको बताता हूँ एक ऐसी नींद की दवा जो सबसे बेहतरीन वर्क करती है। और ये कैसे वर्क करती है हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, 81 2 mg टैबलेट जो कि एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग है, ये क्या करती है दोस्तों, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करके आपके दिमाग को शांत कर देती है, जिसकी वजह से आपको स्लीप आने लगती है और आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। एंजाइटी का मेरा मतलब यहाँ घबराहट से है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी घबराहट होने लगती है, आपके हाथ पैरों में पसीने आने लगते हैं, उस जैसी समस्या को आपको ठीक कर देती है। तो दोस्तों, अब अच्छे से समझते हैं इसको बारीकी से कैसे काम करती है। तो ये एक टेबलेट है दोस्तों जो एंजाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस को ठीक करती है। तो जब सिडेशन किसी वजह से हमें चाहिए या किसी भी डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए सिडेशन चाहिए, मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन से पहले उसको एक नींद आने वाली दवा या बेहोशी की दवा दी जाती है, तो उस केस में भी 81 इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। डेंटल प्रोसीजर यानी दांत दूतों की, अगर आप किसी डेंटल के पास जाते हैं और वो दांत का किसी तरह छोटा मोटा ऑपरेशन या कुछ भी करते हैं, तो उस केसेस में भी इस तरह की दवा को दिया जाता है। अब बात आती है कि ये दवा कितनी घातक है। दोस्तों, इसकी हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी है, यानी इसकी आदत आपको पड़ सकती है अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं। तो आपको ना इसे लंबे समय तक लेना है, ना इसकी डोज को ओवरडोज करना है। तो इसे कैसे छोड़ना है दोस्तों, इसे एकदम से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एकदम से छोड़ने के बाद आपको विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, कन्वल्यूजन्स होने लगती है, बिहेवियर डिसऑर्डर होने लगता है, आपको किसी तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा इसको डॉक्टर की निगरानी में ही लें और आराम आराम से धीरे धीरे इसकी डोज घटाते जाएं, फिर इसको छोड़ें। अब बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लोराजीन, आपको निरसान, नोरपोज तरह की बहुत सारी मार्केट में दवाइयां हैं। तो यूजेस मैंने आपको कंप्लीटली बताता चलूं इस वीडियो में कि यूजेस इसके क्या क्या हैं। तो यूजेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एंजाइटी इसका एक यूज़ है। एंजाइटी में आपके सोने में दिक्कत आने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है, आपके हाथ पैरों में पसीने आने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती है। दूसरा प्रॉब्लम है जो इसको ये ठीक करती है, वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों स्लीपलेसनेस, यानी आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, किसी वजह से आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसमें क्या होने लगता है, आप किसी भी तरह के ट्रबल में होते हैं तो उस वजह से आपकी नींद खराब होने लगती है। तीसरा है प्रोऑपरेटिव सिडेशन। प्रोऑपरेटिव सिडेशन का मतलब मेरा वही है कि सर्जरी से पहले या दांत की सर्जरी से पहले इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, अगर इसको ज्यादा यूज करते हैं तो कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, आपका मुंह सूखा सूखा हो सकता है, सिर दर्द आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह आपको हो सकती है, कमजोरी आपकी आ सकती है, या एकदम से आपका वेट बढ़ सकता है। तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं अगर आप इसको टेबलेट को ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं और गलत उपयोग करते हैं। वैसे रेयर केसेस में है, ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये कितनी देर में बॉडी में असर दिखाने लगती है। दोस्तों, ये एक घंटे मात्र में ही आपकी बॉडी में असर दिखाने लगती है और 12 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। ऐसा नहीं है कि बंदा 12 से 24 घंटे तक उठेगा ही नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि वो अपनी उसका ब्रेन शांत होगा और वो अच्छी नींद लेगा और फिर वो उठ जाएगा। इस तरह का प्रोसीजर होता है। अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता, ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। तो इसकी रिपोर्टेड ऐसी है कि आप अगर लंबे समय तक लेंगे तो आपको आदत पड़ सकती है, इसके बिना आपको नींद आनी वगैरह दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लिया जाता, ना स्तनपान के दौरान इसको किसी गर्भवती ना ही गर्भवती किसी पेशेंट को दिया जाता है, ना ही स्तनपान कराने वाली औरत को इसको दिया जाता है। तो इसकी वार्निंग्स मैं आपको बता दूं, ये इसकी वार्निंग थी। इसको लेने के बाद सुसाइडल टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है इसको ना छोड़ पाने के रिस्क की वजह से। तो ये इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम है दोस्तों। ये बताया मैंने आपको 81 2 mg टैबलेट का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।